मॉडल बाय बैंक्स एंड एनबीएफसी। देखो यहां को लेंडिंग की बात हो रही है और इस को लेंडिंग मॉडल में, जिसको मैं संक्षेप में बाद में वहां पर CLM यूज करूंगा, CLM, इसमें कौन, बैंक और एनबीएफसी, ये दोनों। बैंक आप समझ रहे हो कि जो भी सामान्य जैसे कि वित्तीय लेन देन, जैसे कि डिपॉजिट करना, लोन देना वगैरह, ये सारा काम किसका है, बैंक का है। और जितने प्रकार के जमा करना चाहते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट वगैरह सबके। एनबीएफसी की बात करूं तो एनबीएफसी बैंक से अलग होते हैं, ध्यान देना इस बात को, एनबीएफसी बैंक से अलग होते हैं कि बैंक रेगुलेट होता है आरबीआई से और एनबीएफसी रेगुलेट होते हैं जिस क्षेत्र से संबंधित होते हैं उससे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस कंपनी, तो ये रेगुलेट होंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर बात करें पेंशन फंड की, तो ये होंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्लियर है? ठीक, इन पर ये बैंकिंग अधिनियम से इसके अंतर्गत आते हैं, एनबीएफसी बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। मैं इसलिए शुरुआत में मैंने आपको बैंक और एनबीएफसी का अंतर बता दिया। ठीक, अब चर्चा में क्यों है उसको ध्यान से सुनो कि 5 नवंबर 2020 को जो आरबीआई है, आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी इन दोनों को मिलकर, ध्यान देना, दोनों को मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने के लिए इनको कहा कि आप दोनों साथ मिलकर ऋण दे सकते हैं। ठीक है, और यहां जो साथ ऋण देने की बात की उसके लिए टर्म जो यूज किया, वो टर्म यूज किया को लेंडिंग। क्या यूज किया? को लेंडिंग। और इस को लेंडिंग को पहले इन आरबीआई ने नाम दिया था को ओरिजिनेशन, ध्यान देने से कंफ्यूज मत होना कभी भी, को लेंडिंग को नाम दिया था को ओरिजिनेशन। जब ये 2018 में इस तरह के जो प्रस्ताव आए थे आरबीआई के द्वारा, तब वहां पर ये शब्द दिया था को ओरिजिनेशन, लेकिन अभी ये जो टर्म है उसमें टर्म है को लेंडिंग। ठीक, तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि आरबीआई द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर में जो ऋण दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा, उसमें ये बात कही बैंक और एनबीएफसी दोनों मिलकर क्या करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए जो आवश्यक ऋण है वो देंगे, और उससे संबंधित गाइडलाइन को जारी किया आरबीआई ने। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी वॉइस संबंधित परेशानी है नहीं ना? देखो रिफ्रेश कर लो, मेरी बात सुनो आप, रिफ्रेश कर लो, क्योंकि इसने ज्यादातर लोगों को सुनाई दे रही है चीजें, ज्यादातर लोगों को सुनाई दे रही है। आप जिसको आवाज ना सुनाई दे आप रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अजीत जो भी हो आप मैसेज दे दो, क्योंकि वो ठीक सुन ध्यान से, फिर मैं वहीं पर आ रहा हूं। मैंने बात की को लेंडिंग की, को लेंडिंग का मतलब यहां पर यह है कि प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में जो ऋण दिए जाते हैं उस क्षेत्र को में ऋण देने में बैंक और एनबीएफसी दोनों मिलकर ऋण देंगे, इससे संबंधित एक गाइडलाइन, एक दिशा निर्देश आरबीआई के द्वारा 5 नवंबर 2020 को जारी कर दिया गया। जो टर्म है को लेंडिंग, वो पहले को ओरिजिनेशन था। मैं इसलिए बार बार इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि किसी भी पुराने अगर आप खबर पे जाएंगे तो वहां ये टर्म होगा को ओरिजिनेशन, लेकिन अब यहां पर उसके लिए हम को लेंडिंग टर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब मामला ये है कि आखिर ये को लेंडिंग मॉडल क्या है, सीएलएम आखिर है क्या? तो देखो इसमें क्या है कि जो भी फॉर्मल लेंडर्स हैं, दो तरह के लेंडर्स होते हैं, दो तरह के ऋणदाता होते हैं। अगर मैं ऋणदाता की बात करूं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, हिंदी में एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक वो जो किसी अधिनियम के अंतर्गत उसका गठन किया गया हो, जैसे हम बैंक की बात करें, ठीक है, ये फॉर्मल लेंडर है। इनफॉर्मल लेंडर कौन है? तो एकदम आसान सा शब्द है, साहूकार, महाजन, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में या बड़े शहरों की भी बात कर रहा हूं, महानगरों में भी ये ऋण देते हैं। और इनके द्वारा जो दिया जाने वाला ऋण होता है उसकी पूरी पूरे प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वो किसी भी अधिनियम के अंतर्गत उसको रेगुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, वो डिमांड सप्लाई पे काम करते हैं वो। ठीक, तो अब यहां पर ये है कि इसमें जो ऋणदाता है को लेंडिंग मॉडल में, औपचारिक ऋणदाता, तो बैंक एनबीएफसी, ये लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलकर कार्य करेंगे एक साथ। ठीक है, ठीक, मतलब एसबीआई और एक नाम ले लेता हूं अदानी कैपिटल,
क्योंकि अभी इन्हीं दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब एसबीआई क्या है? बैंक है। अदानी कैपिटल क्या है? एनबीएफसी है। ठीक है, तो एसबीआई और अदानी कैपिटल ने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में यह बात कही गई है कि दोनों मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर में किसको? किसानों को, कृषकों को ऋण देंगे। किस चीज के लिए ऋण देंगे? तो कृषि उपकरण खरीदने के लिए। ठीक है, कृषि समझे, जैसे मान लें ट्रैक्टर खरीदने के लिए वो ऋण दिया जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? को लैंडिंग में कोई दिक्कत? तो अब देखो कि लैंडिंग कौन कर रहा है? क्या एसबीआई अकेले लैंडिंग कर रही है? नहीं कर रही। अदानी कैपिटल अकेले कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फिर इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मिलकर लैंडिंग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम यहां पर क्या दिया इन्होंने? को लैंडिंग मॉडल। ठीक है, एक बात और ध्यान से सुनना, जब भी हम ऋण देते हैं, जैसे कि मान लें कि बैंक ने ऋण दिया किसी भी ए नामक कस्टमर को, तो जब भी अगर इसे 100 रुपए ऋण दिया गया तो इसमें रिस्क भी है ना? रिस्क किस बात का है? रिस्क इस बात की है कि क्या ये 100 रुपए वापस ये ए बैंक को करेगा या नहीं करेगा। क्लियर? ये तो जो अब यहां पर दोनों बैंक और एनबीएफसी जो दोनों मिलकर ऋण देने वाले हैं और ऋण देंगे, तो इससे संबंधित जो जोखिम है उसका मतलब वह जोखिम किस पर रहेगा? क्या बैंक पर रहेगा, एनबीएफसी पर रहेगा? तो नहीं, यह जो जोखिम है वह जोखिम दोनों साझा करेंगे। को लैंडिंग मतलब मिलकर ऋण देंगे। इसमें कौन कौन शामिल है? क्या दो बैंक शामिल होंगे मिलकर? नहीं, बैंक और एनबीएफसी शामिल होंगे। क्लियर? अब यहां पर कि ये जो ऋण दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है कि ध्यान दें, एक ऐसा क्षेत्र जो या तो अनसर्व्ड होता है, मतलब ये कि उस क्षेत्र में जितना ऋण दिया जाना चाहिए था उतना ऋण दिया नहीं गया, या अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र में वित्त का जो फ्लो है वो लगातार बना रहना चाहिए। तो एक तो हो गया अनसर्व्ड, ठीक है, और अंडरसर्व्ड का मतलब है कि अगर उसको पैसे जितने मिलने चाहिए, उसको ऋण जितना मिलना चाहिए उतना ऋण उसको नहीं मिला। दोनों चीजें बता रहा हूं, ठीक है। एक क्या कर रहा हूं, अनसर्व्ड मतलब उसको मिला ही नहीं, दूसरा अंडरसर्व्ड मतलब कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। क्लियर? ये तो क्या होता है कि यहां से वापस होने के चांसेस थोड़े से जोखिम ज्यादा होते हैं। तो यहां जोखिम भी क्या करेंगे, बैंक और एनबीएफसी जोखिम को भी ये साझा करेंगे। क्लियर? को लैंडिंग मॉडल यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखो आप, ये जरा प्रायोरिटी सेक्टर देख लो आप, इसमें कुछ चीजें हैं उसको मैं अभी बता देता हूं। जब भी हम प्रायोरिटी पीएसएल की बात करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करते हैं, तो उसमें ये क्षेत्र आते हैं, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम, एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्ट करने के लिए जो ऋण, वो शिक्षा में, हाउसिंग घर बनाने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे कम्युनिटी हॉल बनाने की बात करें, स्कूल बनाने की बात करें, हॉस्पिटल बनाने की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, एंड अदर्स, ये सब के सब आते हैं किसमें? ये आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के एरिया में। और एक बात इसमें आप ध्यान देना कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग या प्राथमिक क्षेत्र ऋण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसमें बैंक्स, और इस चीज को भी ध्यान देना, चाहे कोई बैंक हो, चाहे हमारे यहां का बैंक हो या फॉरेन बैंक हो, चाहे वो इंडियन बैंक हो और चाहे फॉरेन बैंक हो, दोनों में से कोई भी, इन दोनों के लिए यह अब अनिवार्य मैंडेटरी है। क्या? कि जितने भी ऋण ये देंगे उसका 40% इस पीएसएल में जाना चाहिए। क्लियर? पहले ये चीजें थी, ध्यान देना, पहले अगर आप कहीं देखते हो गए कि फॉरेन बैंक को 32% था, वो पहले नॉर्म्स था, अब ये खत्म हो गया। टोटल जितने भी बैंक हैं, इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, जो भी है, सबको 40% प्रायोरिटी सेक्टर को अब लैंडिंग करनी है टोटल का। देखो एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब चलो इधर आ जाओ, अब ये काम कैसे करेंगे जरा उसको ध्यान देना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ये, मैंने अभी एग्जांपल किसका दिया था, एसबीआई और अदानी कैपिटल का, अभी तो खबर भी तो आ रही होगी ना इस पे, ठीक है, मतलब ये हमारे मतलब की खबर है, जो खबर हमें ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर हम खोजें तो वो खबर मिलेगी। देखो एसबीआई और अदानी कैपिटल के बीच में सीएलएम को लैंडिंग मॉडल पर इनके बीच समझौता हुआ, ठीक, समझौता हुआ कि मतलब ये अब ये लोगों को ऋण देंगे, प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देंगे। तो मतलब ये कि सीएलएम में, को लैंडिंग मॉडल में, बैंक और एनबीएफसी के बीच पहले से ही समझौता हो जाता है और इस समझौते के आधार पर ऋण दिया जाता है। पहली बात तो ये, ठीक,
अब कैसे, तो वो देखो, मान लो कि 50 लाख का ऋण देना है और उस पर ये डिसाइड पहले से हो गया कि 10 लाख का ऋण कौन देगा, एनबीएफसी देगा, और 40 लाख का ऋण कौन देगा, बैंक देगा। ठीक है, 10 लाख का जो ऋण है वो कितने परसेंट पे जाए, 10% पे, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और बैंक कितना, बैंक दे रही 40 लाख, कितने रेट पर, 8% पे। तो अब ये मान लो कि एसबीआई कितने पे दे रही है, 8% पर 40 लाख, और अदानी कैपिटल कितने पे दे रहा है, 10 लाख, 10% पे। ठीक, इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा? अगर मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करूं, ईईआर, प्रभावी ब्याज दर की, तो वो कितना हो रहा है, वो होगा 8.4%। वो क्यों, उसको देखो, क्योंकि अगर 10% इंटरेस्ट पे 10 लाख, तो हर साल कितना इंटरेस्ट, 1 लाख, और अगर 8% 40 लाख पे, तो कितना होगा ये, 3.2 लाख। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4.2 लाख पर ईयर पे, 50 लाख पर, ये कितना निकलेगा आपका, 8.4%। तो मतलब यहां देखो क्या हो रहा है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो जिसके पास ऋण गया है उस ऋण पर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, वो कि वह उसका कम पड़ा है, 8.4% पड़ा है। ठीक है, अब आगे देखना, ध्यान से सुनना, कि जब यहां मैंने लिखा कि 10 लाख और 40 लाख, ये लिखा ना मैंने कि 50 लाख अगर ऋण दे रहे हैं तो उसमें 10 लाख कौन दे रहा है, एनबीएफसी दे रहा है, और 40 लाख कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो कुछ तो शर्तें होंगी ना कि एनबीएफसी कितना देगा और बैंक कितना देगा। तो शर्त यहां पर यह है कि अगर बैंक और एनबीएफसी किसी भी ऋण की शर्त में साथ अगर आते हैं तो उस ऋण में जितनी भी राशि है उसका 20% मिनिमम इतना तो देना ही देना है एनबीएफसी को, याद रखना इस बात को, 20% उसको देना ही देना है। ठीक है, तो अब जैसे मान लें कि अगर ऋण समझौते में 20 करोड़ रुपए के, ठीक है, या राशि गलत हो गया, तो 20 करोड़ का 20% कितना हो जाएगा, यहां पर 40 होगा ना ये, ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग, ये कितना हो जाएगा, 40 करोड़। 40 करोड़ तो एनबीएफसी को देना ही देना है। ठीक है, तो मतलब यहां पर यह है कि अगर मैं को लेंडिंग मॉडल की बात करूं, सीएलएम की अगर मैं बात करूं, तो उसमें एनबीएफसी को न्यूनतम कितना देना है, तो कुल स्वीकृत राशि जितना ये ऋण देंगे, ठीक है, उसका 20% एनबीएफसी को देना होगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट सुनना ध्यान से, जब भी हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की हम बात करते हैं तो क्या उससे एनबीएफसी बंधा होता है, क्या नहीं, उसमें बैंक बंधा होता है। ठीक है, तो अब यहां पर बात यह हो रही है कि सीएलएम मतलब को लेंडिंग मॉडल, ये जो है इसके अंतर्गत बैंक एनबीएफसी के साथ जो मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर में जो लैंड करेगा, जो लेंडिंग करेगा वो, तो क्या उसके इस ऋण की राशि को, ये जो लैंडिंग अमाउंट होगा, क्या उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत जो 40% है उसके अंतर्गत रखेंगे? तो आप एकदम बेझिझक करना कि रखेंगे, वो उसका दावा होगा। मैं इसलिए इतना तोड़ तोड़ के ब्रेक करके बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि अगर स्टेटमेंट देता हो तो उस स्टेटमेंट में ये चीजें वहां पर ऐड हो सकती है। ठीक है, तो मैं फिर क्या बोल रहा हूं आपको कि को लैंडिंग मॉडल में क्या एनबीएफसी का एक मिनिमम अमाउंट है? हाँ है, वो फिर आगे डिपेंड करेगा दोनों के एग्रीमेंट पे। ये भी हो सकता है कि मान लो कि अगर 1 करोड़ की अगर ऋण दिए जा रहे हो तो 50 लाख 50 लाख, ये भी हो सकता है, लेकिन एनबीएफसी को किसी भी स्थिति में 20 तो देना ही देना, 20% देना ही देना। एक बात, दूसरी बात कि इसमें जो ऋण दिए जा रहे हैं सीएलएम में, तो उसमें जो बैंक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्या वो कॉन्ट्रीब्यूशन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत बैंक का क्लेम होगा कि नहीं होगा? तो बैंक का वो क्लेम होगा। एक और थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये कि सीएलएम में सारे शामिल होंगे, चाहे इंडियन बैंक हो चाहे फॉरेन बैंक हो, लेकिन वो फॉरेन बैंक इसमें शामिल नहीं होंगे जिनके 20 से कम ब्रांच है, इसको याद रखना। ठीक है, जिसके 20 से कम ब्रांचेस होंगे वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्योंकि ये जितने भी है ये शर्तें हैं, इसको ध्यान देना। ठीक है, और एक बात ध्यान देना कि जो सीएलएम है को लेंडिंग मॉडल, इसमें आरबीआई जो समय समय पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी करेगी, ठीक है, उसके अनुसार इनको प्रोविजनिंग रखनी होगी, प्रोविजनिंग रखनी होगी, ये याद रखना। ये प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग का मतलब है कि जितना आप ऋण दे रहे हैं, मान लो कि 100 रुपए का ऋण दिया, तो इस 100 रुपए का एक निश्चित परसेंट बैंक को अपने पास रखना होगा, इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। क्लियर ये कि अगर डिफॉल्ट हुआ ऋण तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। फिर से दोहराऊं, हाँ, टोटल का 20%, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल जो दिया भी कि 100 करोड़ का अगर दोनों मिलकर देते हैं तो उसका 20%, 20 लाख, ये मिनिमम है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान देना,
कि को लैंडिंग मॉडल में प्रोविजनिंग रखनी होगी, कितनी रखनी होगी, ये आरबीआई समय समय पर जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसको जारी करेगी। प्रोविजनिंग में मैंने आपको क्या बात कही कि जैसे मान लें कि दोनों ने मिलकर 100 रुपए का अगर ऋण दिया तो उसका एक सर्टेन परसेंट उनको अपने पास बैकअप रखना पड़ेगा, किसको, बैंक को। और ये जितने भी टर्म्स हैं प्रोविजनिंग वगैरह सब जितनी भी चीजें, तो सामान्य बैंकिंग जब आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। नॉन बैंकिंग, ध्यान दो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कंपनी एक्ट के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बैंकों की तरह सीआरआर एसएलआर वगैरह ये नहीं रखना होता है। एनबीएफसी बैंक की तरह वो डिपॉजिट उस रूप में नहीं लेती है जैसे बैंक लेती है, जैसे करंट अकाउंट खुलवाना हो, सेविंग अकाउंट खुलवाना हो, इस तरह से नहीं लेती है। हालांकि थोड़े बहुत नॉर्म्स अभी बदले हैं, लेकिन ये बैंक की तरह पूरे तौर से काम नहीं करती है। बैंक का रेगुलेटरी केवल और केवल जैसे हम बात करते हैं आरबीआई रेगुलेट उसको करती है, एनबीएफसी का रेगुलेट उसको कौन रेगुलेट करता है, तो जिस क्षेत्र से संबंधित होती है। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि इंश्योरेंस कंपनी, तो आईआरडीएआई उसको करेगी, ठीक है। बैंक पीएसएफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं ये कह रहा हूं आपको ध्यान दो, यहां पर ओवरऑल को लेंडिंग अगर मॉडल की मैं बात करूं तो को लेंडिंग मॉडल मैंने आपको बात, को लेंडिंग है, साथ साथ ऋण देंगे, कौन ऋण देंगे, तो बैंक देगा ऋण और एनबीएफसी ऋण देगी, दोनों मिलकर ऋण देगी, सिंपल सी बात होगी, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको यहां पर यह बात कही कि ये जो समझौते होंगे ऋण देने के लिए बैंक और एनबीएफसी के बीच में, तो क्या एनबीएफसी का कोई न्यूनतम क्राइटेरिया होगा कि वो उसको देगा ही देगा? हाँ, क्राइटेरिया होगा, कितना, कुल ऋण का 20% तो देना ही देना है। बाद में ये शर्त में तय होगा कि एनबीएफसी कहां तक जा सकता है। क्लियर यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूं कि इस को लेंडिंग मॉडल में बैंक के द्वारा जो ऋण की राशि दी जाएगी, क्या वह प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के 40% जो मानक है, क्या उसके अंतर्गत वो आएगा? वो उसके अंतर्गत आएगा, काउंट किया जाएगा। फिर आगे यहां पर ये है कि जो को लेंडिंग मॉडल है उसमें वैसे फॉरेन बैंक नहीं इंक्लूड होंगे जिनके ब्रांचेस 20 से कम हैं। फिर लास्ट मैंने ये बात कही कि प्रोविजनिंग, तो प्रोविजनिंग मैंने बताया कि सिंपली एक बात आप दिमाग में हमेशा रखना कि ऐसे भी प्रोविजनिंग का क्राइटेरिया बना हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। वह चीज होती है कि अगर बैंक ने ऋण दिया है तो उस ऋण का एक निश्चित प्रतिशत, ठीक है, उसको वहां पर देना पड़ेगा। पीएसए प्रॉन्ट करेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है। प्रॉन्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब यहां पर यह होता है कि मान लो कि अगर कोई बैंक है और उस बैंक के घाटे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे जो भी कारण उसका, ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है कि निश्चित समय बाद उस पर निगरानी रखती है और एक निश्चित समय के बाद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उस बैंक पर लागू करती है। इससे क्या होता है, उससे सबसे पहली बात तो यहां पर यह हो जाएगी कि ब्रांच का एक्सपेंशन उसका बंद कर दिया जाएगा। दूसरी बात यहां पर यह होगी, अगर तब भी नहीं सुधरता है तो फिर यहां पर यह बात होगी कि उसके जो इंप्लॉय है उसकी सैलरी को बंद कर दिया जाएगा, वो हाइक नहीं कर सकते हैं। और इन सबके बावजूद अगर लगेगा कि इसकी स्थिति नहीं सुधरी तो पूरा कंट्रोल करके अपने अंदर ले लेंगे। ये होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब सुनना ध्यान से कि आखिर इसकी आवश्यकता पड़ी तो पड़ी क्यों, ठीक है, ये क्यों दोनों को साथ लाया गया, आखिर क्यों को लेंडिंग मॉडल लाया गया, इसमें क्या है। ये जो एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, इनका बाजार या इनकी बाजार पहुंच, ठीक है, वो ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब ये कि देश के विभिन्न भागों में एनबीएफसी का विस्तार होता है क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रीय आधार पर भी काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, तो देश के भीतर तक इनका पूरा प्रसार होता है। देखो, जहां बैंक के ब्रांचेस में नहीं होंगे वहां एलआईसी का एजेंट जरूर होगा, ठीक है, हाँ नहीं है, लेकिन इस पे बात हो रही है, इसको भी शामिल उसमें करेंगे एनबीएफसी को, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एनबीएफसी को देखोगे तो एनबीएफसी के बाजार तक, स्थानीय बाजार तक ज्यादा पहुंच है, नंबर एक बात। लेकिन एक दूसरी दिक्कत है, क्या, कि बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी होती है जो लेंडिंग करती है लेकिन इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, एक चीज। तो अब देखो क्या है, एनबीएफसी के किस कैटेगरी को ले लेना यहां पर, कि स्थानीय बाजार में जो इसकी ज्यादा पहुंच है इसका उपयोग करना है, ठीक है। अब आ जाओ बैंक पर, बैंक के साथ क्या है, बैंक ऋण का वितरण करता ही करता, बैंक का काम ही, ठीक है, लोगों से पैसे लेना और फिर उस पैसे को क्या करना, बाजार में देना ऋण के रूप में, क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ध्यान देना कि बैंक ऋण देता है, ठीक, बैंक जो ऋण देता है उसमें खासकर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत देता है, ब्याज दर उसकी सस्ती होती है, सब बात सही है। लेकिन ब्रांच को अगर एक्सपेंड करने की बात करेंगे तो फिर बैंक के खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि हर जगह पे मौजूद नहीं है, ठीक है, जिसका अगर एक्सपेंशन विस्तार की बात करूं तो उसका विस्तार उतना ज्यादा नहीं है। तो अब बैंक के किस गुण को लेना है, कि बैंक ऋण का वितरण करता है,
सस्ती ब्याज दर पर करता है, तो दोनों के इस गुण को मिला दो। मतलब ये कि एनबीएफसी के पास ग्राहक तक ज्यादा पहुंच है, चलो ठीक है, और बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक के पास अच्छी चीज क्या है, बैंक के पास पूंजी है, कैपिटल है। तो अब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये फायदा होगा कि इसकी ज्यादा पहुंच और प्लस इसके कम पूंजी, और बैंक के पास ज्यादा जो पूंजी है, ठीक है, इन दोनों का उपयोग करते हुए ये ग्राहक, वो भी किस क्षेत्र के ग्राहक, वैसे ग्राहक जो या तो अनसर्व्ड है या अंडरसर्व्ड है, उन तक ये अपनी पहुंच बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि उस क्षेत्र में आसान दर पर ऋण प्राप्त करना और आसान हो जाएगा। क्लियर है, तो इन दोनों की चीजें समझ में आ गई। ठीक, आगे चुनौती क्या है वो देखो जरा, चैलेंजेस भी तो होंगे, तो पहली जो है चुनौती वो देखना क्या है इस पूरी तकनीक में, इस सीएलएम में, को लैंडिंग मॉडल में। सबसे जो पहली बात है वो है कि इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए अच्छी खासी। वो क्यों, उसका कारण देखो, ग्राहक से सीधा वास्ता किसका पड़ेगा, एनबीएफसी का। ठीक है, मतलब ग्राहक को, ग्राहक के सामने कौन है, एनबीएफसी है। ठीक, लेकिन जितने भी तरह के निर्णय होंगे, ट्रांजेक्शन होगा, फंड देना होगा, ये जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन बैंक और एनबीएफसी को आपस में साझा करना पड़ेगा, और ये साझा एक समय, मतलब रियल टाइम में हो, ध्यान देना, रियल टाइम में ये साझा हो, और बड़े पैमाने पर चूंकि ग्राहक लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इतने बड़े डेटा को रियल टाइम में दोनों का एक्सेस हो, दोनों के बीच ये सारी चीजें सही ढंग से चले, इसके लिए तकनीक का सही होना ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये, ठीक है, ठीक, एक तो हो गया कि चलो ग्राहक आए हैं, दोनों आपस में समझौता करेंगे कितना ऋण देना है, नहीं देना है, तो इसके लिए आपके पास एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर नेक्स्ट है कि जो भी ग्राहक होंगे जो ऋण के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है, वो डिफॉल्टर पहले नहीं रह चुके हैं, मतलब उस ग्राहक से सही जानकारी, उससे संबंधित जो उचित जानकारी है, वो जानकारी दोनों के पास सही समय पर मौजूद हो और दोनों उसको एक्सचेंज कर सके, इसके लिए भी टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस असेसमेंट। ये बात समझ में आ गई, बात दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, आसान सी चीज है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो सूचना दो, मतलब एनबीएफसी के पास ग्राहक आए और एनबीएफसी फिर वो सूचना बैंक को दे, फिर बैंक उस पर अमल करे, फिर एनबीएफसी दोनों आपस में मिलकर समझौता करे, ये रियल टाइम होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि जो ग्राहक ऋण लेने के लिए आए हैं तो वो क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है, मतलब उसको ऋण दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या वो पहले डिफॉल्टर रह चुका है, ठीक है, या नहीं रहा है, इससे इसकी भी जांच करने के लिए एक मजबूत तकनीक होनी चाहिए। क्लियर ये, आगे विवाद किस रूप में, वो देखो, विवाद का कारण है यही दोनों, एसबीआई और अदानी कैपिटल, इन दोनों के बीच में जो हालिया समझौता हुआ है ये एक विवाद का कारण है सीएलएम के अंतर्गत, को लैंडिंग मॉडल के अंतर्गत। वो क्यों, वो इसलिए हमने क्या देखा कि एनबीएफसी को आप शामिल इसलिए कर रहे हो क्योंकि एनबीएफसी की स्थानीय बाजार तक पहुंच है, लेकिन अदानी कैपिटल और एसबीआई के बीच में जो समझौता हुआ है वो उसमें फिट नहीं बैठता। क्यों, इसलिए एसबीआई के देख लो ब्रांचेस कितने, ब्रांच इतने, एटीएम इतने, है ना, और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की अगर हम बात करें वो इतने हैं, और अदानी कैपिटल के कितने ब्रांच है, 60, और अदानी कैपिटल ने अभी तक कितने हजार करोड़, मतलब हजार करोड़ रुपए का तो इसने अभी तक केवल वितरण किया है। तो फिर ये लोगों को समझ में बात नहीं आ रही कि एसबीआई और अदानी कैपिटल का एक साथ आने का क्या मतलब है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखो कि जब आरबीआई, ध्यान दो, आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र में जो बड़े कॉरपोरेट है उनको आने की अनुमति नहीं देता है, ऑफिशियली उसने इनकार किया है कि बड़े कॉरपोरेट बैंकिंग सेक्टर में नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगर को लैंडिंग मॉडल की हम बात करें तो बैंक के साथ कौन आ रहा है, एनबीएफसी आ रहा है, और एनबीएफसी को अगर हम देखें तो ज्यादातर जो एनबीएफसी हैं वो कॉर्पोरेट घराने के अंतर्गत हैं। ठीक है, और ये जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो पब्लिक डिपॉजिट लेते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस की बात करो, ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट तो ये ले रहे हैं ना, तो सीएलएम क्या कर रहा है, सीएलएम अब इन्हीं कॉर्पोरेट एनबीएफसी को ऋण प्रदान करने की भी अनुमति दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली एनबीएफसी बैंकिंग एक्टिविटी में भी शामिल हो रहा है। तो एक तरफ आरबीआई क्या करती है कि हम बड़े कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग क्षेत्र में आने नहीं देंगे, और दूसरे तरफ से अगर हम सीएलएम की बात करें तो सीएलएम हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली एनबीएफसी बैंकिंग एक्टिविटीज में शामिल हो रही है। और नेक्स्ट कि आपने को लेंडिंग मॉडल को ऐसे समय में लाया है जबकि बड़े बड़े एनबीएफसी जैसे आईएलएनएफएस, डीएचएफएल, एसआरईआई, रिलायंस कैपिटल, ठीक है, ये सब के सब इनकी दिवालिया वाली स्थिति हो गई। ठीक है,
और ये ऐसे है, चाहे IRFS की बात करो, DHFL की बात करो, SREI की बात करो, रिलायंस कैपिटल की बात करो, तो यहां पर पब्लिक फंड है ना, जैसे लोगों के पैसे, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हो, इसके रूप में यहां पर पैसे आए हैं, जमा हुए हैं, लेकिन क्या परिणाम निकला है? दिवालिया। तो ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को बैंक के साथ जोड़ना और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की फैसिलिटी करवाना, ये कहीं से भी सही नहीं है। क्लियर? तो ये जो जितनी चीजें हमने की वो था को लेंडिंग मॉडल। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.